अब मैं थप्पड़ मुंह पे लगा दूंगी अगर ऐसे वर्ड दोबारा इस्तेमाल किए तो। तेरे मुंह पे थप्पड़ मार मार के तेरा तेरा चेहरा लाल कर दूंगा। मुझे टच ना करें, मुझे टच ना करें। टच नहीं मामा, इसको पकड़ रहा। लेकिन मेरे हाथ पे टच हो रहा है। आप डिसाइड करेंगे मेरा रहने का हक है या नहीं हक है, है? नहीं। लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए पैसे कमाने के लिए, ये लोगों को गुमराह करते हैं। पाकिस्तान में पढ़े लिखे हमारी जो गर्ल्स हैं वो जाहिल हो चुकी हैं। एक पाकिस्तानी पत्रकार को समझा रहा है कि आपको बुरके में होना चाहिए, आप इस्लाम के खिलाफ में चल रही है। पाकिस्तानी पत्रकार को गाली भी दे रहा है, लेकिन वहीं पे खड़े चाचा ने पाकिस्तानी को इस तरह से धोया है, वो वीडियो क्लिप आप देख के चौंक जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा दुबई से का वीडियो। दुबई से भी गुस्से में ऐसी बयान दे दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और सुनते हैं पाकिस्तानी पत्रकार को क्या क्या बोल रहा है, कैसे कैसे गाली दे रहा है, कैसे बोल रहा है बुर्का पहनने के लिए। पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए। इस्लाम के अंदर तो पीर फकीरी जायज नहीं है, सुने शिर्क के बराबर आ जाती है। कौन पीर फकीर? कुरान पाक पढ़ा आपने? मुझे टच ना करें, मुझे टच ना करें। टच नहीं मामा, इसको पकड़ रहा। लेकिन मेरे हाथ पे टच हो रहा। कोई गल नहीं, आप मेरी बेटी बराबर है, जैसे देख रहे हो मैं प्यार दे रहा हूँ बेटे, देख रहे हैं ना आप? हाँ, जाली पीर फकीर भी ऐसे ही करते हैं। ओ केड़े पीर लिया हम मेरे को? मैं क्यों लाऊं? गलत कर रहे हैं फटाफट। हाँ तो मैं, मेरा तो जाली पीर को मैं तो नहीं गई। मैं कह रहा मामा हूँ मैं पीर हूँ तो तुम मान लोगे? आप पीर हैं? नहीं नहीं, अगर आप कहें मैं बन जाऊँ पीर तो क्यों कहूंगी? मैं क्यों कहूंगी आपको पीर? मैं क्यों कहूंगी? मैं तो मानती नहीं पीर फकीरों को। तो फिर आपका रहने का हक ही नहीं है। जब रहने का हक नहीं है, आप डिसाइड करेंगे मेरा रहने का हक है या नहीं हक है, नहीं क्यों मानूं मैं पीरों फकीरों को? क्यों मानूं? इसका मतलब तुम ही हवा भी है। ये फिर का वारियत पर आ गए, फिर का वारियत पर आ गए। हां जी, फिर का वारियत पर आ गए। नहीं नहीं आया नहीं, तू क्या पीर फकीर ना लटा? नहीं, मेरी मर्जी है ना। इस्लाम के अंदर तो आज सर, इस्लाम के अंदर तो पीरी फकीरी वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये खड़े होकर पर्सनल अटैक। लो अब बताओ, माँ बाप से बढ़कर कोई पेड़ नहीं है। अब बताएं, आप बताएं। लिखो जी, इन्होंने किसी ने पता नहीं है दीन के बारे में। सर आप आ जाए, इनको पता है, ये कह रहे हैं आपको दीन के बारे में नहीं पता। ये औरत बेकार ही है, माजल्ला। मैं थप्पड़ मुंह पे लगा दूंगी अगर ऐसे वर्ड दोबारा इस्तेमाल किए तो। ये औरत भड़का रही है तो थप्पड़ खा के जाओगे यहाँ से? तमीज के दायरे में रह करो। इस पर कोई नहीं काटना, कोई नहीं काटना, सारा चलेगा, सारा चलेगा। फोन करने का बच्चा फोन कर। ओ मैं तेरी मुंह के ऊपर थप्पड़ मारूंगा, तेरे मुंह पे थप्पड़ मार मार के तेरा तेरा चेहरा लाल कर दूंगा। बाहर मर गया तेरा पीर, कुत्ते का बच्चा। ये बात सही कर रही। लेट हिम कॉल, ये साले को मैं पीर को तुझे लाना देता हूँ। चले गए वो। सर क्या ऐसे शख्स मुझे बताएं कि क्या मतलब हमारे माशरे को कितना गंदा कर। माशरे में माँ बाप से बढ़कर किसी को दर्जा अल्लाह ने नहीं दिया है। दैट इज द लास्ट एंड फाइनल। जो टॉर्चर करते हैं, ये जर्गमाल करते हैं, ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को इनको हुकूमत को चाहिए इनको पकड़े और इनका कार्रवाई करे सख्ती से। ये मेरा यही मेरा ईमान खुदा पर है, इन लोगों से मेरा कोई भरोसा नहीं। खवातीन से रिक्वेस्ट है, अपने आप को सेफ्टिंग रखे, अपने आप को बचा कर रखे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने आप को अल्लाह के भरोसे पे चले, खुदा के भरोसे पे चले। इन लोगों पर मेरा कोई यकीन नहीं, मेरा कोई नहीं, मेरा खुदा पर ईमान है, इन लोगों पर मेरा कोई यकीन नहीं। सर यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे जाली पीर फकीर करोड़ों की तादाद में भरे पड़े हैं जो इस्लाम के नाम पर गलत काम करते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ इनको इनको पकड़ा जाए, इनको पकड़ के हुकूमत के हवाले किया जाए, उनके पास पूरी सख्ती की जाए। मेरा आप सवाल सुन ले,
पाकिस्तान के अंदर ऐसे करोड़ों जाली पीर फकीर भरे पड़े हैं जो इस्लाम के नाम पर गलत काम करते हैं। वो गलत काम करते हैं, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए, ये हुकूमत को चाहिए। ये मेरा तो DIG से रिक्वेस्ट है, इनकी इंक्वायरी की जाए, अपने ऑर्डर दिए जाए। मरियम नवाज से रिक्वेस्ट है कि इनको फोटो पर गिरफ्तार करके इनको पकड़ा जाए। क्यों करते हैं ऐसे? ये करते हैं सब अपने पैसे कमाने के लिए, ये लोगों को गुमराह करते हैं। मैं इस चीजों से बहुत सख्त खिलाफ हूँ, मुझे एलर्जिक है। बाकी ये है कि दूसरा ये रिक्वेस्ट, आप मानते हैं पीरों फकीरों को? मैं अपने खुदा को मानता हूँ, इन चीज़ों से मेरा यकीन नहीं है बिल्कुल। और दूसरी बात है, मैं घर से बेघर हूँ, आप मरियम नवाज से रिक्वेस्ट है कि मेरा कोई जरिया ऐसा कर दे कि मैं, मेरी बेगम भी है, उसके मेरे औलाद नहीं है, और मेरे कानों पर आला लगा हुआ, दो मेरी बीवी को लगे हुए हैं, मैं हम घर से बेघर हैं। मैं इसलिए मैं अपने किराए पर रहता हूँ कभी कभी यहाँ, लेकिन यह है कि मैं अपने खुदा से दुआ करता हूँ, अल्लाह परवरदिगार मुझे अपनी जनाब पे दे, मैं किसी के साथ ऐसे ना करूँ, ऐसे पीरों के खिलाफ मैं बहुत सख्त खिलाफ। पाकिस्तान में पढ़े लिखे हमारी जो गर्ल्स हैं वो जाहिल हो चुकी हैं, अपने जो है खावंद को नीचा दिखाने के लिए, जी मेरा खावंद जो है वो मेरे नीचे लग जाए, पीरों के पास चले जाती हैं। और कई ऐसी गर्ल्स हैं जिन्होंने हाई लेवल की एजुकेशन हासिल की, ठीक है, तलीम ज़्यादा हासिल कर ली, घर में बूढ़ी हो गई, मतलब एज थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, उन्हें रिश्ते उनके मुताबिक के नहीं मिल रहे, वो भी लड़कियों का ज़्यादा रुझान पीरों फकीरों की तरफ है। और देखा जाए तो ये ऐसे जो दरिंदे हैं, ये जो शादबाग का हमने वाकया देखा, छोटी सी लड़की है और दो जाली पीरों ने दरिंदगी का, मैं कहता हूँ ऐसे, मैंने अपने इंटरव्यू में एक बात की थी कि मीनार पाकिस्तान देखने के लिए नहीं है, यहाँ पर कम से कम 15-20 जो है ना ये फांसी के फंदे लटका दें, और वहाँ पे 2 से 3 आप फांसियाँ दे दें। ये जो जाली पीर हैं, जो ये जो रेपिस्ट हैं, जो रेप कर रहे हैं पाकिस्तान में, रेप करें, आपने देखा होगा कि जाली पीर तो रेप कर ही रहे हैं, उसके अलावा यहाँ पे हमारे माशरे में जो है जगह जगह पे दरिंदे फिर रहे हैं, जगह जगह पे रेप करने वाले फिर रहे। पाकिस्तानी चाचा ने जिस तरह से पाकिस्तानी को धोया है भाई, आप देख के चौंक गए होंगे। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिए। चलते हैं दुबई सेक्रेट, दुबई सेक्रेट ने भी गुस्से में ऐसी बयान दे दिए हैं, वो भी बड़ी क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो पहले आप दुबई सेक्रेट का बयान सुनिए, क्या बोलते हैं दुबई सेक्रेट। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ कुछ लोग आते हैं अपना CV लाकर जूब धोने के लिए, जब उसको CV के अंदर जो उसका टैलेंट है, जो उसका एक्सपीरियंस है, वो कंपनी लोग चाहे नहीं चाहिए यहाँ, तो क्या करें? मेरे ख्याल से आदमी टाइम बहुत कम है, अभी 1 महीना बाकी है, इसीलिए टाइम वेस्ट मत करो। आपका पास दूसरा चॉइस है, दूसरा कंपनी देखने के लिए बाहर नहीं देखा, आपके पास बनाइए, नॉर्मल चली जाए। नॉर्मल के बाद जब आओगे तो आपका ऊपर कुछ नहीं है, इसीलिए आपको ढूंढना पड़ेगा बाद में अच्छा एक पक्का कंपनी। और मैं दोहराता हूं मेरा बात, आजाद वीजा, पार्टनर वीजा जो पक्का नहीं है, इससे दूर हो जाओ। आप पार्टनर, हकीकी पार्टनर हो, एक कंपनी है जो आप पार्टनर हो उसमें, और आप आपका हिस्सा है इस कंपनी के अंदर, तो हाँ, लेकिन आपका पास कुछ हिस्सा नहीं है, आप कुछ नहीं जानते हो कंपनी के बारे में, सिर्फ आपने पार्टनर मान लिया वीजा के लिए। मैं दोबारा दोहराता हूँ, ये काम मत करिए, कि अच्छा नहीं है और लीगल नहीं है, कानूनी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आपने देखा दुबई से कैसे बयान दिया है, दुबई से हमेशा लेबर के सपने बोलते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। प्लीज दुबई से के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पाकिस्तान के बारे में और दुबई के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो स्वागत करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।